पंक्ति को पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। जब अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से गिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है। इसमें कभी असफलता तो कभी सफलता मिलती है, कभी सुख तथा कभी दुख झेलना पड़ता है, कभी आशा तो कभी निराशा मिलती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे ना घबराए और साहस एवं धैर्य ना छोड़े। भाव यह है कि असफलता निराशा और दुखों का सामना होने पर हिम्मत ना छोड़े। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति सदा नहीं रहता। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा स्थिति कभी नहीं रहता। सुख के बाद दुख अवश्य आता है, निराशा के बाद आशा और असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अतः मनुष्य के जीवन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है। अतः अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील बने रखना चाहिए। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए बच्चों, मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है अपने डेस्टिनेशन को, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम लोग कहते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा, ये सब क्या है? सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक के बाद एक आता है। निराशा आता है तो आशा अवश्य आएगा, दुख आता है तो सुख जरूर आएगा। अगर हम लोग असफलता के सामना करते हैं तो सफलता का भी सुख भोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखो कि हमें हमारा काम क्या है, गतिशील चलते ही रहना है। हमारा काम क्या है, चलते ही अपने मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए।